सारे जो भी दर्शक आपके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगी कि वो जाग जाएं और इस तरह की जो हालात आज मुल्क में हो रहे हैं उनमें ज़रूरत है कि सड़क पर आए। देखिए, और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल से बोलना चाहूँगी कि हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के, क्योंकि पिछले 6 साल से इन्होंने जो विकास का नारा लगाया और बेटी बचाओ का नारा लगाया, इन्होंने मुल्क को पूरी दुनिया में मर्डर, लिंचिंग और रेप के नाम पर बदनाम करके छोड़ दिया है। आज हमें अपनी पहचान बताते हुए भी शर्म आने लगी है। ठीक है, तो हमारा जो मुद्दा है आज का वो तो रेप का है, लेकिन मैं ये पूछना भी चाहूँगी सरकार से कि हम कब तक इसी तरह हर हफ्ते, हर 3 दिन, हर 4 दिन में सड़कों पे निकलते रहेंगे और रेप की कहानियां लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि रेप होना और फिर मर्डर होना कोई नई बात नहीं रह गई है। और अब आप ये देखिए कि पिछले कुछ महीनों से जो आंकड़े हम देख रहे हैं न्यूज़ में या अखबारों में कि 10 साल से नीचे की लड़कियां, उनको निशाना बनाया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने बहुत दिल दहलाने वाला हाथरस का वाकया सुना होगा। अभी ये क्या हो गया कि एक दलित माँ बाप थे, ये बेगर्स थे एक्चुअली, ये दरगाह के सामने भीख मांगते थे, इनकी बच्ची पानी लेने के लिए वो क्रिमेटोरियम मतलब के जो के जिसे कहते शमशान घाट था उसमें गई थी वो 9 साल की बच्ची। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हम सिर्फ सोच लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कैसे लोग होंगे जो ये रेप कर भी रहे हैं, उसके बाद बच्ची को जला दिया गया और जब माँ पहुँची और उसने उसको गेट बंद कर दिया गया, उसको धमकाने की कोशिश करी गई और जब उसने शोर मचाया उसको एक्चुअली माँ को पता कैसे चला कि उसने अपनी बच्ची को देखा कि वो पड़ी हुई थी, जो मैं एग्जैक्टली जो सर्वे करके आई हूँ इस रिपोर्ट का इंटरनेट से, कि वो बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, होंठ नीले हो चुके थे, खून था और बाकायदा ये कि माँ के सामने उसकी लाश को आग लगाई गई। और जो भी पंडित था और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका ये कहना था उसकी माँ से कि देखो तुम बोलोगी तो क्या होगा, पुलिस आएगी, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जाएगी, तुम्हारी बच्ची के ऑर्गन निकाल के बेच दिए जाएंगे।